खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्टेशन पर बूढ़ा यात्रियों का गुस्सा, कहा बूढ़ी औरत को भी पीटते रहे चक्के। बेसहारा बुजुर्गों को गायों के साथ गौशाला में रखेंगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। शराब को सस्ती करने के मूड में केजरीवाल सरकार, जीएसटी दायरे में लाने का प्रस्ताव। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंगेर भागलपुर नई दिल्ली से चलकर भागलपुर आ रही साप्ताहिक एक्सप्रेस में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। दर्जनों मोबाइल नगद सहित करीब 30 लाख की लूट की घटना धनोरी उरेन के बीच पवई हॉल्ट दैताबांध के पास की है। घटना के बाद जमालपुर में यात्रियों ने शिकायत दर्ज कराई। ट्रेन में सफर कर रही एक महिला ने कहा कि साप्ताहिक एक्सप्रेस में एक भी पुलिस के जवान नहीं है। 10 से अधिक की संख्या में आए डकैतों ने कट्टा और चाकू के बल पर यात्रियों से नगद, चेन और मोबाइल छीन ली। वही ट्रेन में सफर कर रही एक बूढ़ी महिला को बेरहमी से पीटा। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक अनोखा करने जा रही है। दिल्ली सरकार राजधानी में एक ऐसी गौशाला का निर्माण करेगी जिसमें गाय के साथ साथ बेसहारा बुजुर्ग भी रहेंगे। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार शराब की कीमत कम करने की तैयारी में है। शराब पर लगने वाले वैट को हटाकर इसे जीएसटी के दायरे में लाने की केजरीवाल सरकार ने अपनी सिफारिश विधानसभा में पेश कर दी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस दिल्ली की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।